मैनपुरी के कपिल मुनि आश्रम महाविद्यालय में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के पदाधिकारियों के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री श्री खेम सिंह शर्मा और वरिष्ठ अतिथि वासुदेव पटेल उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा कि किसानों को जागरूक किया जाए और गौ रक्षा कर जो खेतों में जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है पूरी तरह से बंद हो और गाय का गोबर और गोमूत्र के द्वारा उर्वरक खाद का प्रयोग कर किसानों को लाभ मिले। इस कार्यक्रम में किसानों से गौ रक्षा के लिए निवेदन किया गया। ये आज का संदेश किसानों के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो काफ़ी परिवर्तन आया है, जो अपने पुराने संस्कारों को छोड़ के दूसरे संस्कारों में चले गए, अपनी संस्कृति को बर्बाद किया है, उसका संदेश देने के लिए हमारे बीच में राष्ट्रीय संगठन मंत्री और केंद्रीय मंत्री श्री खेमचंद जी बीच में है। उन्होंने संदेश दिया है, क्षेत्र में परिवर्तन कराएंगे, समाज में परिवर्तन कराएंगे, उसके लिए कुछ प्रयास करने, गौ रक्षा करना है, गाय हमारी सड़क पर है, तो उसको सबको ला करके ये केंद्रित करने के लिए हमारी एक कार्यक्रम है, उसके लिए हम लोग चल रहे हैं आगे। मंत्री जी ने बताया कि अन्य देशों की मिली भगत के कारण हमारे देश की स्थिति गड़बड़ा रही है। विदेशों की यह चाल है कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसके नौजवानों को खत्म कर दो, जिसे लेकर उन्होंने हमारे नौजवानों में नशे का जहर खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद का गौ रक्षा विभाग पूरे देश के अंदर जीरो बजट खेती, शून्य लागत पर किसान कैसे खेती करे, किसान कैसे समृद्ध हो, किसान की खेती का खर्चा कैसे कम हो, इस सारे अभियान में लगा हुआ है।